जब भी मैं फराह को देखती हूँ तो मुझे याद आता है खानों में खान, तीस मार खान। अरे यही याद आता है तुझे, और कुछ याद नहीं आता है, तीस मार खान याद आता है। मैं क्या करूँ, आपने तीस मार खान में मुझे इतनी कैप पहनाई थी। हाँ, वो भी है। अच्छा फराह, ये सबके अंदर होता है कि सबको एक दिन मतलब पहली बार एहसास होता है कि मैं तीस मार खान हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, तो आपको कब हुआ? आई थिंक मुझे जब मुझे फिल्म मैं हूँ ना बनानी थी, तब मुझे हुआ कि ये तो मैं कर सकती हूँ। और फिर जब मैंने शिरीन फराह की वर्क की तो मुझे लगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। जब मैंने टीवी किया तो मुझे लगा ये भी अब आगे क्या क्या कर सकती हूँ, मुझे टेस्ट करना है वो। यहाँ पे एक फन बैटल की बात कर रही हैं आप, तो जब छोटी थी कोई ऐसी मेमोरी है आपके पास कि बड़ा मजा आया हो या ऐसी कोई लड़ाई हुई हो? नहीं, हाँ लड़ाई में तो सच्ची की लड़ाई या तो लिपसिंग बैटल है जहाँ हमारे दो स्टार्स आएंगे और एक दूसरे से कंटेस्ट करेंगे, लेकिन बचपन में मेरी बैटल साजिद के साथ ही होती थी मोस्टली। तो वो तो बहुत भयंकर, गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ऐसी बैटल नहीं देखी होगी, चाकू वाकू लेके भागते थे हम लोग एक दूसरे के पीछे। और आपके लिए अगर आपको एक्ट करना है तो लिपसिंग कौन करेगा, कौन सी ऐसी सिंगर होगी जिसको आप पसंद करेंगे कि आपके लिए करे लिपसिंग? मेरे लिए जो करे लिपसिंग, मेरी आवाज़ कोई मेल सिंगर की हो सकती है। नहीं ना, आई थिंक सुनिधि विल बी गुड फॉर मी। और अगर आपको लगता है कि आपको मतलब गाना गाना हो, बिकॉज यू सेड कि यू आर वेरी बैड एट सिंगिंग, पर अगर लेकिन हमारे हिसाब से तो यू आर वेरी नाइस, वेरी गुड, और अगर गाना हो तो किसके लिए गाएंगी? किसके लिए मैं गाना गाऊंगी? आई थिंक फरहान के लिए। हाँ, हम दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है तो मैं फरहान के लिए गाना गा सकती हूँ। और आप क्योंकि हमेशा से बहुत बोल रही हैं अपनी बातों को बोलने में, तो अभी आपने किसी रिसेंटली एक्ट्रेस के लिए भी कहा कि ये एक तो मैंने ये कहना चाहती हूँ कि मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, हम वो जर्नलिस्ट को बुला के पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा। और इस तरह के जब शो होस्ट करते हैं आप, तो जैसे फेलियर्स का डर लगा रहता है हर किसी को, जैसे कई शाहरुख का भी ये कहना है कि मैं डरता हूँ करते हुए, कि फिल्मों में शायद ज़्यादा डर लगा रहता है, लेकिन टीवी पे आई थिंक मुझे इतना प्रेशर मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि चैनल है संभालने के लिए, मार्केटिंग प्रमोशन डिजिटल, तो वो उनका बाहर है। मेरा काम है कि मैं एंटरटेनिंग शो दूँ, लेकिन ऑब्वियसली सक्सेस सबको ही प्यारी होती है। और सबसे ज़्यादा इन्जॉय जो करती हैं आप, हाँ, किसके साथ करती हैं, मतलब फरहान के साथ या जो भी सेट पे जो स्टार है शो में? शो में अभी तक हमने 5 ही एपिसोड किए हैं, और लेट मी टेल यू कि मैंने सारे एपिसोड बहुत इन्जॉय किए हैं। करण का एपिसोड बहुत अच्छा था विद परिणीति और प्रीति, तो ये सब मेरे दोस्त हैं, तो हमको लगता है हमारी पार्टी हो रही है सेट पे। लिटरली ऐसी एक फील आती है कि सब आ रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं, सब वेरी नाइस ऑफ देम। तो ये मैं एक का नाम नहीं लूँगी, बट आई थिंक सारे एपिसोड में बहुत मज़ा आया। लेकिन एक इंडियंस के साथ एक प्रॉब्लम है कि जब भी कोई लाइव शो होता है तो उनको लिप सिंकिंग या लिप सिंक बिल्कुल पसंद नहीं आता है, चाहे वो जितने फोन तो लिप सिंक ही करते हैं ना लोग यहाँ पर ज़्यादातर। लेकिन हमारे सिंगर्स के मामले में वो ज़्यादातर लाइव गाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, तो ये प्रॉब्लम आने वाली है आपको? नहीं, क्योंकि ये में बिल्कुल भी लाइव गाना ही नहीं है, लिप सिंक ही करना है। तो बबीता भी जब आए थे या विशाल डडलानी और शान भी जब आए थे तो उनको लिप सिंक ही करना पड़ा, और वैसे भी खुद के गाने अलाउड नहीं है गाना, आपको किसी और का ही गाना गाना होगा। जो गाना आप पे पिक्चराइज हुआ है या आप वो नहीं आप गा सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फराह टॉकिंग टू अस। मैं कौन सी टोपी पहनाऊं तुझे? वही मैं पूछने वाली थी। टोपी नहीं है, ये गुलाब ले ले। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।